नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया। शायद ही कोई इंदौर का मुस्लिम इलाका हो जो नबी के नारों से ना गूंजा हो। इस खुशी के मौके पर रजाए मुस्तफा कमेटी ने इंदौर के मोती तबेला पर इस्तेमाई निकाह का प्रोग्राम रखा। यहां इंदौर के आसपास के लड़का लड़कियों का निकाह मस्जिद हाथीखाना में रखा और एक बड़ा लंगर भी रखा। खास बात यह रही कि कमेटी ने दहेज के रूप में कलाम पाक देकर लड़कियों को विदा किया। आने वाले वक्त में और भी बड़ी तादाद में निकाह करने की सोच है। इंदौर के मोती तबेला में आज तक 24 न्यूज की टीम भी पहुंची और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इस निकाह को कैमरे में कैद किया। जहां अल्लाह के नबी की विलादत का दिन है, वहीं सुन्नत रसूल निकाह का अहतमाम कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कमेटी के आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आज तक 24 न्यूज की टीम से सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। बोल रहे तो दूल्हा आती है। आओ, आप भी आओ। चलो सायरा भाजी ने दिया है। आज रहमतुल आलमीन का योम पैदाइश का दिन, पूरा शहर यही कह रहा है आका की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। और साथ ही साथ इसमें सोने पे सुहागा ये है कि आज रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा की जा रही है इंदौर के मोती तपेले में, जहां निकाह का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें 6 जोड़ों का निकाह है और आज उनका निकाह होगा और सरकार की आमद में सरकार की डबल खुशी होगी। हम बात करते हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से, उमर रजा साहब से, कि आपने प्रोग्राम रखा, कहाँ कहाँ से लड़कियाँ और कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आए, आपका चल रहा है। हर दिन पे से बड़ा सबसे बड़ा दिन आज का ईद मिलादुन्नबी, इसी के सदक़े में ईद बकरीद हमें नसीब हुआ है और इस मुबारक दिन के तौर पे पिछले साल 3 निकाह किए गए थे, इस बार 6 निकाह हैं और इंदौर के बाहर से भी कुछ बराते आई हैं और कुछ लोग इस पे इतने अच्छे हैं कि जो दहेज नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी कमेटी की जानिब से जो बंद पड़ा है वो दिया जा रहा है। पिछले साल 6 निकाह थे, 3 निकाह थे, इस बार 6 निकाह हैं कुछ इंदौर के बाहर से। हमारा सवाल ये होगा कि कोई इसमें सिर्फ इल्म वाले हैं, कोई बड़ी डिग्रीधारी लड़के हैं या लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और आगे आने वाले वक्त में और कितना सोचते हैं कि और वसी होता जाए और आवाम इनसे जुड़ती जाए और गरीब बच्चियां का निकाह होता रहे, हमारा सवाल क्या पता है? फिलहाल तो सब मध्यम परिवार के लोग हैं, गरीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए जो भी कोशिश बन पड़ी सभी भाइयों ने, सभी लोगों ने कोशिश करी है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम कोशिश करेंगे कि 6 की जगह 11 निकाह हो, इसकी पूरी कमेटी रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी पूरी कोशिश करेगी। नाम ही रज़ाए मुस्तफ़ा है तो यकीनन मुस्तफ़ा की आमद यकीनन मरहबा है। हमारा ये फिर से एक सवाल ये होगा कि आपने जो दहेज दिया है इसमें किस किस ने हिस्सा लिया और लड़कियों को आज क्या निकाह में ये दहेज दिया जाए? सभी धर्मों के लोगों का इसमें इन्वॉल्वेशन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हर साल इसमें हिस्सा लेते हैं। कुरान शरीफ सबसे पहली चीज़ है, वो हमारी तरफ से दी गई है, बाकी ये सभी अपनी कमेटी की जानिब से और शहर के बहुत सारे लोग जो मददगार हैं इस मौके पे हिस्सा लेते हैं, उन लोगों ने मदद की है। देखने में आया है लंगर भी है और लाजवाब लंगर है, यकीनन जो लोग ऐसे प्रोग्राम एहतमाम करते हैं यकीनन बाईस से सलाम है ऐसे लोगों को ने जो बीड़ा उठाया, जिन बच्चियों की शादियां नहीं होती यकीनन अगर वो शादियां होकर अपने घर जाती हैं तो यकीनन खुदा और उसका रसूल खुश होगा। हमारे साथ एक और शख्सियत है, हम उनसे बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं शाकिर चाचा। शाकिर भाई, आपका इस्तकबाल आज प्रोग्राम में शरीक हुए, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बहुत ही बड़ा नबी का हमारे त्यौहार है, मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा व तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, आज बहुत ही खुशी का दिन है। इसी पे हमारे भाई सकीर भाई ने यहाँ प्रोग्राम निकेगा, उमर भाई, फारूक भाई, इन्होंने सबने मिलकर यहाँ ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर निके का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर 6 लड़का लड़कियों की निके का पूरा फुल इंतजाम है, दावत वगैरह का भी सब इंतजाम करा गया है। मेरा सवाल शाकिर चाचा से होगा, शहर में एक रुतबा है, आपका नाम है, आप भी एक कोई जल्दी से जल्दी ऐसा प्रोग्राम इस्तेमाल करें कि 22 से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हो, आने वाले वक्त में क्या ऐसा प्रोग्राम की ऐसा सोचा है? इंशाल्लाह बहुत आगे यही प्रोग्राम को हम आगे और अच्छे से बढ़ाएंगे, आगे इसी प्रोग्राम को आगे हम ले जाएंगे। हमारे साथ एक शख्सियत और मौजूद है, हम आपसे सवाल करते हैं, इतना हसीन प्रोग्राम रखा है जिसे अक्द कहते हैं, ये अक्द 22 से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का दिन है और आज आपकी आमद का दिन है, जहाँ हर तरफ पूरा शहर कह रहा है मरहबा, आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है और हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह के बाद तो 6 निकाह और आगे जाएंगे, 12 कर रहे हैं, इसको बढ़ाते हैं। हमारे उमर फारूक भाई चाचा खड़े हैं हमारे साथ, सब लोगों ने अगर वो सहयोग करा तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे बड़े पैमाने पर। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। तो आप थे यहाँ के तमाम मीन जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम रखा, यकीनन काबिले तारीफ है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ आज तक 24 न्यूज़ ये दुआ करता है आने वाले सख्त में आज 6 है, कल 12 हो, 18 हो और 20 हो और बच्चियाँ अपने घर की ओर रुखसत हो और आप इसके सवाब के मुस्तहिक हो, आप खुद तरक्की पाएँ, बुलंदी पाएँ और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़ इंदौर। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।